अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर और इसके मुख्तलिफ टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एक इंस्ट्रक्शन के तहत काम करती है। जो भी ये प्रोसेस करती है वो एक इंस्ट्रक्शन के तहत करती है जो कि इसकी मेमोरी में पहले से स्टोर्ड होती है। That can accept data, process that data according to the specified rules, produce information। और जो इनपुट इसे दी जाती है, जो डेटा इसे मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है जो कि इसकी आउटपुट कहलाती है। फिर उस आउटपुट को ये अपनी मेमोरी में भी स्टोर कर देती है मशीन फॉर फ्यूचर यूज़, और उसकी आउटपुट भी आपको यूज़र को शो करवा देती है। कंप्यूटर कंटेन मैनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स नाउन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और इन्हीं हार्डवेयर से इनपुट इसके अंदर इंटर की जाती है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर एंड मोबाइल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें एट अ टाइम एक पर्सन यूज़ कर सकता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीसी कहते हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एक पर्सन कैरी कर सकता है वन प्लेस टू अदर प्लेस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट है लैपटॉप्स। लैपटॉप्स पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर कीबोर्ड भी इनके अंदर फिट होता है और माउस भी इनके कीबोर्ड के अंदर ही होता है। अगर हम चाहें तो एक एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस भी फिट कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप्स टच स्क्रीन वाले भी होते हैं। लैपटॉप्स चार्जेबल होते हैं जिनमें हम बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं और बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड में टैबलेट्स आता है। टैबलेट्स मोबाइल फ़ोन से बड़े होते हैं लेकिन लैपटॉप से साइज़ में छोटे होते हैं। ये भी पोर्टेबल होते हैं और इनमें टच स्क्रीन होती है जिस पर आप टच के ज़रिए मूवमेंट अपनी फिंगर के जरिए आप इसके अंदर काम कर सकते हो। उसके बाद डेस्कटॉप्स ऐसे कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर फिट किए जाते हैं, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये साइज़ में भी बड़े होते हैं और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो इसके साथ कनेक्ट की जाती है, तो इम्पॉसिबल होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सको। दूसरे नंबर पे ऑल इन वन कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनमें सीपीयू या प्रोसेसर मॉनिटर के अंदर ही सेट किए जाते हैं, तो ये ऑल इन वन कंप्यूटर होते हैं। लास्ट में है सर्वर्स। सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जहाँ जो किसी नेटवर्क वाली जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, तो सारे कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन डेटा इस मेन कंप्यूटर जो कि सर्वर है उसमें स्टोर होती है, और बाकी कंप्यूटर्स इस सर्वर से डेटा लेते हैं फिर उसमें वापस आउटपुट देके उसमें स्टोर कर देते हैं। सर्वर में सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, तो ये मेन कंप्यूटर होता है। मोबाइल डिवाइसेस एंड गेम डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो साइज़ में स्मॉल होती हैं और ये इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। गेम डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिस पर आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो, एक सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर, इसमें आप वीडियो गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं मोबाइल डिवाइसेस के, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, ऐसे कैमरास जिस पर आप पिक्चर वगैरह लेते हो तो उस पिक्चर के मुताबिक जो भी डेटा होता है वो स्टोर कर लेता है, जैसे कि ये पिक्चर्स किस जगह पर बनाएगी। कुछ कैमरास में GPS सिस्टम होता है तो वो उस पिक्चर के मुताबिक सारी लोकेशन किस लोकेशन पे बनाएगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस पिक्चर के मुताबिक स्टोर हो जाती है उसमें। फिर आता है पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, ऐसी डिवाइसेस जिसमें आप ऑडियो वीडियो देख सकते हो वो मीडिया प्लेयर, वो मोबाइल डिवाइसेस कहलाती हैं। ई बुक रीडर जिस पर आप कोई भी बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर कुछ रीड करते हो तो वो ई बुक रीडर, ये भी मोबाइल डिवाइसेस में शामिल होती हैं। वेयरेबल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिसे आप पहन सकते हो, जैसे कि वॉच होगी, स्मार्ट वॉचेस, या फिर इस तरह की कुछ एक्टिविटी ट्रैकर जिसको आप वेयर कर सकते हो, तो ये वेयरेबल डिवाइसेस में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा को इनपुट कैसे किया जाता है कंप्यूटर में और उसकी आउटपुट कैसे ली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल का बटन दबाते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन